आज हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे। तो फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और प्यूबर्टी की एज में सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको मिनार्च कहते हैं। ह्यूमन फीमेल में ये हर 28-30 दिन बाद रिपीट होता है। तो इस दौरान इन 28-30 दिनों में जो इवेंट्स जो हैं होते हैं उन्हीं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, तो उस बीच में जो इवेंट होंगे उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और इस टाइम पर क्या होगा, एक एग रिलीज होता है। ये कब होता है, जब मिड साइकिल आएगा, यानी कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वो मिड साइकिल कहाँ पर दिखाया, 14th डे पर। तो मिड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में आने पर एक एग रिलीज होता है। इस पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया हुआ है और हम इसको फोर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन। तो ये साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज से, जब ब्लीडिंग होती है, और ये 3 से लेकर 5 दिन तक ये ब्लीडिंग चल सकती है। अब ये ब्लीडिंग होती किस लिए है कि यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है और उसमें फिर ब्लड वेसल्स लिक्विड की फॉर्म में बाहर आएंगे वेजाइना से। और इसके साथ साथ अगर जो ओवम है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वो भी इसी रास्ते से बाहर आ जाएगा। वैसे तो मेंस्ट्रुएशन का लैक होना ये इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन कई बार किन्हीं और वजह से भी, जैसे कि स्ट्रेस है या पुअर हेल्थ है, इस वजह से भी पीरियड्स नहीं आ सकते। अब मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद आती है सेकंड फेज आती है फॉलिकुलर फेज़। ठीक है, अब इस फॉलिकुलर फेज़ नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइम पर जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ओवरी के अंदर ग्रो होगा और मैच्योर होने के बाद वो ग्रैफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। अब एक तरफ तो ये इवेंट्स हो रही हैं कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पे यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं। और उन चेंज आने का कारण क्या है, पिट्यूरिटी और ओवेरियन हार्मोन्स। यहाँ पर ये शो किए हुए हैं पिट्यूरिटी और ओवेरियन हार्मोन। तो पिट्यूरिटी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और FSH निकल रही हैं। तो इस मिड साइकिल में आप देख रहे हैं कि मिड साइकिल आने तक ये LH और FSH जो हैं वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे करके जब ये बढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज़ में, तो वही स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, और इसी टाइम पर फिर ओवरी से हार्मोन्स निकलेंगे प्रोगेस्ट्रॉन एंड इस्ट्रोजन। ये इस डायग्राम में दिखा रखे हैं। ठीक है, तो जब मिड साइकिल आएगा यानी कि 14th डे के आसपास, जो LH और FSH है वो पीक पे पहुंच गए, और इनमें भी जो LH हार्मोन है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज। तो जैसे ही LH सर्ज होती है वैसे ही क्या होगा कि ग्रैफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा और उससे एग रिलीज हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे। अब जिस टाइम पर ये एग रिलीज हो रहा है उस फेज़ को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ओव्यूलेटरी फेज़, जो 14th डे पर होगी। और ओव्यूलेटरी फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ आती है ल्यूटियल फेज़। ठीक है, तो इस ल्यूटियल फेज़ में होगा क्या कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये येलो कलर के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, ये जो ग्रैफियन फॉलिकल थी उसकी कवरिंग थी वो येलो कलर के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम। और इस टाइम पर ये क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोगेस्ट्रॉन। और ये हार्मोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी रिस्टोर कर रहा है, और साथ साथ
ये क्या करवा रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में भी हेल्प कर रहा है। अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो ये कंडीशन चलेगी, और अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। इसके डीजनरेट होने पर जो प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन है वो फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी नीड नहीं रह जाएगी, और इसके साथ साथ फिर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा उसके अंदर, और दोबारा से क्या हो जाएगा, ये वाला साइकिल रिपीट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे इस डायग्राम में दोबारा से वही साइकिल फिर से रिपीट होगा, जैसे इस में दिख रहा है, तो यही वाला साइकिल फिर से रिपीट होगा, और फिर से कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पूरी फेज में को हमने फोर फेजेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट है मैच्योरेशन फेज, दूसरी है फॉलिक्यूलर फेज, तीसरी है ओव्यूलेटरी फेज, और फोर्थ है ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो अब जो है सबसे लास्ट बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो 50 इयर्स की एज के आसपास होगा, और इसी को मेनोपॉज कहा जाता है। तो जब तक ये साइकिल्स चलते रहती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, वो इंडिकेशन होती है उसकी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ की। जो ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो मेनार्ड से मेनोपॉज के बीच में चलती है। तो आज के टॉपिक में फिर हम आपको इतना ही कराएंगे, कल हम आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बताएंगे।